الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم मोहतरम सदर इजलास हज़रात उलमाए किराम मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान भाइयों प्यारे बच्चों प्रदानशीन माँ और बहनों आज इस इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है तारीख़ अहले हदीस और मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा मालेगांव के एक अजीमुश्शान शायर इकबाल नज़ीर के इस शेर से कर रहा हूं कि जमाना कितनी ही तबलीग तीरगी कर ले जमाना कितनी ही तबलीग तीरगी कर ले हम ही बताएंगे मफहूम रोशनी क्या है। तो आइए बिला किसी तमहीद के पहली रोशनी की तरफ आते हैं यानी कुरान हकीम की तरफ। यजीद इब्ने हारून कहते हैं कुलतु लिहम्माद इब्ने ज़ैदिन या अबा इस्माइल हल ज़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अस्हाब अल हदीस फिल कुरान फ़क़ाल बला अलम तस्मा इला कौलिही लियतफक्कहु फिद्दीन वलियुंज़िरु क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम रवाहुल ख़तीब फी शरफ अस्हाब अल हदीस व इस्नादुहु सहीहुन। इस रिवायत की सनद सही है और इस रिवायत को इमाम खतीब बगदादी अपनी मशहूर किताब शरफ़ अस्हाबिल हदीस के अंदर लाए हैं। यजीद इब्ने हारून कहते हैं कि मैंने हम्माद इब्ने ज़ैद से सवाल किया कि ए अबू इस्माइल ये बताइए कि क्या अल्लाह ताला ने अहले हदीस का जिक्र कुरान में किया है। हल ज़कर अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अस्हाब अल हदीस फिल कुरान क्या अल्लाह ताला ने कुरान में अहले हदीस का जिक्र किया है। फ़क़ाल बला तो हजरत हम्माद इब्न ज़ैद ने कहा क्यों नहीं अलम तस्मा इला कौलिही क्या तूने अल्लाह का ये कौल नहीं सुना उसी में तो अल्लाह ने अहलुल हदीस का जिक्र किया है। वो कौल क्या है लियतफक्कहु फिद्दीन एक गरोह ऐसा होना चाहिए जो दीन की फिक्र हासिल करे दीन की समझ हासिल करे
और लोगों को डराए जब दीन की समझ हासिल करने के बाद उनकी तरफ लौटे। आपको सुनकर हैरत होगी कि यहां यह कहा गया कि दीन की फिक्र हासिल करें। एक हदीस पाक में हदीस को फिक्र कहा गया है। दलील दलील यह हदीस पाक वान ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु कॉल समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल नज़र अल्लाह इमरान समय मिन्ना हदीसन फहफिज़हु हत्ता युबल्लिगहु फरुब हामिल फिक्हिन इला मन हुआ अफ़क़हु मिन्हु वरुब हामिल फिक्हिन लैसा बिफ़क़ीहिन रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल इल्म। हजरत इमाम अबी दाऊद इस हदीस को ऐसे ही किताबुल इल्म के अंदर लाए हैं। हजरत ज़ैद इब्न साबित फरमाते हैं कि मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि अल्लाह उस आदमी को तरोताजा रखे जो मेरी एक हदीस को सुने, उसे याद करे और उसको लोगों तक पहुंचा दे, क्योंकि बहुत सारे फिक्र के हामिल उनसे ज्यादा फिक्र वाले मौजूद होते हैं। और ये बताया आखिर में कि हर फिक्र का हामिल फिक्र वाला फकीह नहीं होता। इस हदीस पाक के अंदर लफ्ज फिक्र हदीस के माने में है, लियतफक्कहु फिद्दीनी, वो दीन की समझ हासिल करें, यानी अहादीस रसूल के ऊपर कमांड हासिल करें, और लोगों की तरफ जब लौटे तो उनके सामने जब मसाइल हयात पेश किए जाएं तो कुरान और अहादीस नबवीया की रोशनी में उन पेश आमदा मसाइल हयात का हल पेश करें। हम्माद इब्ने ज़ैद के इस कौल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अहलुल हदीस का जिक्र फरमाया है। हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कतीर, जिनकी तफसीर मुतदाविल है और हर खास आम उनकी तफसीर इब्ने कसीर से वाकिफ है, हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कतीर ने सूरे बनी इसराइल जो 15वें पारे में है उसकी इस आयत यौम नदउ कुल्ल उनासिम बे इमामहिम, जिस दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि दोजख में भी लोग जाएंगे तो गरोह दर गरोह जाएंगे और हर गरोह का एक इमाम होगा। इसी तरीके से जन्नत में भी जाएंगे तो गरोह दर गरोह जाएंगे और इस गरोह का भी एक इमाम होगा। अब हर गरोह का एक इमाम होगा, जैसा कि यह आयत करीमा बता रही है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बे इमामहिम, उस दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। इस आयत करीमा की शरह में हाफिज इमादुद्दीन कतीर रहमहुल्लाह लिखते हैं, फकाल बादु सलफी हादा अकबर शरफ लि असहाबिल हदीस लि अन्न इमामहुम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि बाद सलफ ने इस आयत करीमा की रोशनी में यह बताया है, यह फरमाया है कि इस आयत करीमा में अहले हदीसों के लिए बहुत बड़े मकाम की तरफ इशारा किया गया है कि उनके लिए बहुत बड़ा शरफ है, इसलिए कि उनके इमाम उस दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। बोया इस दूसरी आयत से भी पता यह चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहलुल हदीस का जिक्र कुरान हकीम में भी किया है। यह पहली रोशनी थी। अब हम दूसरी रोशनी यानी अहादीस नबविया की तरफ पलटते हैं। सिलसिले में पहली हदीस इस तरह, वान इमरान अब्न हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة قال يزيد بن هارون إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث وقال هذا حديث صحيح موقوفا گویا کہ یہ حدیث موقوف ہے مگر صحیح ہے اور اس روایت کے راوی حضرت عمران ابن حسین ہیں. حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر حق کے اوپر جمع رہے گا اور حق کے خلاف جو بھی باطل فرقہ سر اٹھائے گا اس کی سرکوبی کے لیے یہ کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے, یعنی قیامت تک کہیں بھی حق مجروح ہو رہا ہو تو حق کی مدد کے لیے, حق کے دفاع کے لیے یہ طائفہ, یہ گروہ برابر موجود رہے گا. میری امت کا یہ گروہ, اس کی تشریح کرتے ہوئے قال یزید ابن ہارون, یزید ابن ہارون طائفتم من امتی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اِلَّمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ, اگر اس طائفہ سے, اس گروہ سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو فلا ادری من ہم, تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں. یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اہل الحدیث کی وضاحت فرما دی ہے, ان کی علامتیں بتلا دی ہیں, ان کا وظیفہ بتا دیا ہے, ان کا کام بتا دیا ہے. یہ پہلی حدیث تھی جو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. دوسری حدیث وان سعید ابن یعقوب الطائی او غیرہ قال ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یزرہم من ناواہم حتی تقوم الساعة قال ابن المبارک ہم عندی اصحاب الحدیث رواہ الخطیب فی شرف اصحاب الحدیث وقال ھذا حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. حضرت سعید ابن یعقوب تائی کہتے ہیں کہ ابن المبارک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذکر کی. ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابن المبارک نے ذکر کی. کون سی؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, کہ میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق کی مدد کرتا رہے گا. اور لا یزرہم من ناواہم, ناوا یناوی مناوات کا مطلب مخالفت کرنا, مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی, کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی, یہاں تک کہ قیامت آ جائے. قیامت تک لوگ ان کی مخالفت کرتے رہیں گے اور مخالفین کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابن المبارک کہتے ہیں, قال ابن المبارک, ابن المبارک کہتے ہیں ہم اندی اصحاب الحدیث, میرے نزدیک یہ طائفتم من امتی, میری امت کا ایک گروہ یہ کون ہے؟ میرے نزدیک اصحاب الحدیث ہیں. گویا کہ اس دوسری حدیث کے اندر بھی اشارہ ملا اصحاب الحدیث کا اہل الحدیث کا. تیسری حدیث اس طرح وان معاویت ابن قرطہ عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفة من امت منصورین لا یزرہم من خذلہم حتی تقوم الساعة قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی ہم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ کتاب الفتن کے اندر, ترمذی شریف کے اندر اس روایت کو اسی طریقے سے لائے, اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت معاویہ ابن قرہ ہیں. حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام کے لوگوں کے اندر فساد آ جائے تو تمہارے لیے کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے, تمہارے لیے خیر نہیں, اور میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا منصورین, برابر رہے گا اور منصور رہے گا. منصور کا مطلب اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی. اور لا یزرہم من خذلہم,
उनको रुस्वा करने वाले कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। हत्ता तकुमस्सा, ये जंग कयामत तक जारी रहेगी और मुखालिफीन इनको रुस्वा करने की कोशिश करेंगे, इनको बुरा भला कहेंगे, इनको तकलीफ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा यहां तक कि कयामत आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला कयामत तक इस तौइफा की हिफाजत करेगा। यह है इस फिरके और इस ताइफा का मकाम। अब ये ताइफतुम मिन उम्मती, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताज इमाम अली इब्न मदीनी का हवाला देते हुए कहते हैं, काला मोहम्मद इब्न इस्माइल, हजरत इमाम बुखारी ये फरमाते हैं कि मेरे उस्ताज अली इब्न मदीनी ने ये फरमाया कि ताइफतुम मिन उम्मती से मुराद अस्हाबुल हदीस हैं, हम अस्हाबुल हदीस। लोग तिर्मिजी पढ़ते और पढ़ाते हैं, क्या उनके सामने से यह रिवायत नहीं गुजरती? यह रिवायत तो किताबुल फितन में मौजूद है कि काला मोहम्मद इब्न इस्माइल, गोया कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही ख्याल है कि ताइफतुम मिन उम्मती से मुराद अस्हाबुल हदीस हैं, और वो अपने उस्ताद का हवाला देते हैं अली इब्न मदीनी का, गोया कि उनके उस्ताद का भी वही ख्याल है कि ताइफतुम मिन उम्मती से मुराद अहलुल हदीस हैं। قال محمد بن اسماعيل قال علي بن المديني هم اصحاب الحديث। ये कहां है रिवायत? ये तिर्मिजी किताबुल फितन के अंदर है। आइए अब ये जान लें कि इस फिरके की, इस ताइफा की, इस जमात की, इस गरोह की पहचान क्या है। चलिए पहचान के लिए एक हदीस पाक। जैसे कोई बच्चा गुम हो जाए तो किसी को मिलता है तो ऐलान करवाता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है, काली शर्ट पहने हुए है, काली पैंट पहने हुए है, गोरा रंग है, और ये बोल नहीं पा रहा है, अपना पता नहीं बता पा रहा है, जिनका ये बच्चा हो बराह करम फला मकाम से इस बच्चे को हासिल कर लें। अलामतें देख करके लोग वहां तक पहुंच जाते हैं और उस बच्चे को पहचान करके अपने घर ले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गरोह की जो पहचान बताई है, आइए उन अहादीस को देखें जिनके अंदर ताइफतुम मिन उम्मती की अलामतें, साइंस जो बतलाई गई है वो देख लें, क्या ये अलामतें इस गरोह के ऊपर, जमात के ऊपर फिट होती है कि नहीं। पहली हदीस इस तरह, वन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मति मा ताला बनी इसराइल हज़बन्न अली बिन्नाल हत्ता इन काना मिनहुम मन अता उम्मुहु अला नियतिन लकाना फी उम्मति मन यसनउ ज़ालिक व इन्न बनी इसराइल तफर्रकत अला सिन्तैन व सब'ईन मिल्लतन व तफ्तरिकु उम्मति अला सलासिन व सब'ईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर वही कुछ आने वाला है जो बनी इसराइल के ऊपर आ चुका है, इसी तरीके से जैसे जूते का एक तला दूसरे तले के बराबर होता है, और बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनके कांधे पर लात रख करके 73 फिरकों में बट जाएगी, सारे फिरके जहन्नमी होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक फिरका नाजिया होगा। सहाबे किराम ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, 73 फिरकों में बट जाने वाली आपकी ये उम्मत जिनमें 72 लोग जहन्नमी होंगे, वो फिरका बताइए जो जन्नती होगा, वो फिरका जो फिरके नाजिया है जिसके बारे में आप फरमा रहे कि वही जन्नत के अंदर जाएगा, उसकी अलामत बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत बताते हुए, साइन बताते हुए यह फरमाया, मा अना अलैहि वसहाबी, जिस पर मैं हूं, जाहिर है कि जिस पर मैं हूं उसी के ऊपर मेरे सहाबा हैं। अब सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर थे? मा अना अलैह, जिसके ऊपर मैं हूं उसी के ऊपर सहाबा, तो जिसके ऊपर मैं हूं, अब हम कुरान हकीम से पूछते हैं कि कुरान हकीम तू बता कि जिसके ऊपर तू उतरा, अल्लाह ने तुझे जिसके ऊपर उतारा वो किस पर था? माना अलै किस पर था? रसूल तो ये बोला है जिस पर मैं हूं उस तरीके पर कयामत तक जो लोग चलेंगे, जो गरोह चलेगा वही जन्नती होगा, तो मा अना अलै जिस पर मैं हूं, कुरान हकीम तू बता कि तू जिसके ऊपर उतरा वो किस पर था? सूरह अहकाफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब इरशाद फरमाया, कुल मा कुंतु बिदअम मिनर रुसुलि वमा अदरी मा युफअलु बि वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। आप फरमा दीजिए हमारे हबीब कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूं, जिस तरह पहले रसूल थे उसी तरीके का मैं भी एक रसूल हूं, कोई अनोखा रसूल नहीं हूं। पहले के रसूल अगर गैब का इल्म नहीं रखते थे, मैं भी गैब का इल्म नहीं रखता,
पहले के रसूल अगर इंसान थे, मैं भी इंसान हूं, कोई अनोखा रसूल नहीं हूं, और मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या किया जाने वाला है और तुम्हारे साथ क्या किया जाने वाला है। वमाद्री मा युफालु बी वला बिकुम, मुझे ये मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या किया जाने वाला है और तुम्हारे साथ क्या किया जाने वाला है। इल्मे गैब की नफी कर दी गई। अच्छा, इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मैं तो सिर्फ उसी चीज की इत्तेबा करता हूं जो मेरे ऊपर वही की जाती है। साबित यह हुआ कि नबी वही इलाही के ऊपर था। सवाल यह है कि नबी के ऊपर क्या उतरती थी, क्या वही होती थी, वो हदीस देख लेते हैं। हदीस हदीस इस तरह, वानिल मिक्दाम इब्न मादी करीबा अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु कॉल अला इन्नी उतीतुल किताब व मिसलहु माहु अला यूशिकु रजुलुन शबान अला अरिकति यकूल अलैकुम बिहादल कुरान फमा वजदतुम फीह मिन हलाल फाहिलु वमा वजदतुम फीह मिन हराम फहरिमु अला ला यहिलु लकुम लहमुल हिमारिल अहली वला कुल्लु जिनाब मिन सबर वला लक्तुम वाहिद इल्ला अन यस्तगनी अनहा साहिबुहा वमन नजर बिकौमिन फअलैहि मन यकरु फइन लम यकरु फअलैहि अन युकिबहुम बिमिसल क़िराहु रवाहु अबू दाऊद फी किताब सुन्ना हजरत इमाम अबी दाऊद रहमहुल्लाह अबू दाऊद शरीफ किताब सुन्ना के अंदर इस पूरी रिवायत को, जिसके रावी हजरत मिक्दाम इब्न मादी करीब ऐसे ही लाए, मैंने पूरी रिवायत रिफर कर दी है जैसा कि मेरी आदत है। हजरत मिक्दाम इब्न मादी करीब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो अला बिहोल्ड, हे गौर से देखो सुनो, क्या इन्नी उतीतुल किताबा व मिसलहु माहु, बेशक मुझे किताब यानी कुरान दिया गया है, वह मिसलहू और उसी के मिसल उसी के साथ एक और चीज दी गई है। पता यह चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ कुरान नहीं दिया गया, सिर्फ किताब नहीं दी गई, बल्कि उसी के मिसल उसी के साथ एक चीज दी गई, उसी का मिसल है। पता यह चला कि अगरचे कुरान हकीम फजीलत में और तिलावत में हदीस से मुकदम है, मगर इस्तिंबात में और एहतजाज में सही हदीस कुरान हकीम के बराबर है, सही हदीस कुरान हकीम के मिसल है। अला इन्नी उतीतुल किताब व मिसलहू माहु, गोया कि सही हदीस का इनकार गोया कि कुरान हकीम का इनकार है। अला इन्नी उतीतुल किताब व मिसलहू माहु, सही हदीस अगर आ जाए तो वो इस्तिंबात और इस्तिशहाद और एहतजाज में बराबर है कुरान हकीम के, इसलिए कि इस हदीस पाक में हदीसे रसूल को कुरान का मिसल कहा गया, और सिर्फ कुरान नहीं उतरता था, उसके साथ साथ कुरान की शरह उतरती थी, गोया कि मतन कभी अपनी शरह से जुदा नहीं होता। दलील दलील यह हदीस पाक, अभी उसी हदीस पर रुके रहिए, दलील के लिए दूसरी हदीस देख लेते हैं, उसके बाद इस हदीस पर आते हैं। हदीस इस तरह, वहां नबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئا لن تزلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض رواه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم। حضرت امام حاکم رحمه الله اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ روایت انہی لفظوں میں لائے ہیں، میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری سنت۔ اس سے استدلال نہیں کرنا ہے، آخری ٹکڑے سے، ولن يتفرقا، فرق کس کو بولتے ہیں؟ مانگ کو۔ اب دیکھیں یہ بال ملے ہوئے ہیں، یہ بال ملے ہوئے ہیں برابر، اب کیا ہے، بیچ سے اس کو مانگ نکال دیتے ہیں، اسے کچھ بال ادھر ہو گئے کچھ بال ادھر ہو گئے، یہ ہوگا فرق۔ مانگ کو کہتے ہیں فرق، فرق یعنی ملی ہوئی چیز کے درمیان ایک خط خط فاصل کھینچ دینے کو فرق کہتے ہیں۔ ولن يتفرقا، دونوں کے اندر فرق ہو ہی نہیں سکتا، دونوں جدا ہی نہیں ہو سکتے، خط فاصل کھینچا ہی نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں۔ ولن يتفرقا، فرق ہو ہی نہیں سکتا، دونوں ملے ہوئے ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، دوسرے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کتاب دی گئی اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی، سنت اور حدیث، اور آپ نے فرمایا، خبردار، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنی چھپر کھٹ کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے، گاؤں تکیے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بولے گا کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے قرآن کافی ہے، علیکم بہذا القرآن، یہ قرآن کافی ہے، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا، اس کے اندر جو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، وما وجدتم فيه من حرام فحرموا، اس کے اندر جو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، بس
तुम्हें अहादीस नबविया की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिशहाद करते हुए फरमाया, अला ला यहिल्लु लकुम लहमुल हिमारिल अहलीय, पालतू गधे का गोश्त तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। यह इस्तिशहाद है कि कुरान हकीम अज़वल ता आखिर पर जाओ, वहां गधे की हुरमत महसूस नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि गधे की हिल्लत और हुरमत को समझने के लिए अहदीस नबविया की तरफ पलटना जरूरी है। ये इस्तिशहाद है नबी का, अला ला यहिल्लु लकुम लहमुल हिमारिल अहलीय वला कुल्लु ज़ी नाबी मिनस सबो, और हर वो जानवर जिसके दांत पॉइंटेड हूं और जिसको हम कुचलियों वाले दांत कहते हैं। अब कोई ये सवाल करे कि हदीस से साबित कीजिए कि चूहा खाना हलाल है या हराम, हराम है इसलिए कि उसके दांत कुचलियों वाले होते हैं। बिल्ली खाना हलाल या हराम, हराम है इसलिए कि दांत कुचलियों वाले। कुत्ता खाना हलाल या हराम, हराम इसलिए कि दांत कुचलियों वाले। शेर खाना हलाल या हराम, हराम इसलिए कि दांत कुचलियों के। इस्तिदलाल करते चले जाइए। एक कुल्ली मसला बता दिया गया, जुज़ियात का इस्तिंबात करते चले जाइए, और इसी का नाम इस्तिखराज है, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन, यानी कुल्लियत से जुज़ियात का इस्तिखराज करना। अला ला यहिल्लु लकुम लहमुल हिमार अल अहली वला कुल्लु ज़ी नाबी मिनस सबो। इस्तिदलाल इस हदीस पाक से इतना ही करना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ किताब नहीं दी गई, कुरान नहीं दिया गया, बल्कि उसके साथ हदीस दी गई। अब देखिए, इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, दो चीजें दी गई, कुरान और हदीस, और मैं वही की इत्तबा करता हूं जो मेरे ऊपर वही होती है। इसका मतलब कुरान बजरिए वही, हदीस बजरिए वही। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मैं किस पर हूं, मैं वही पर हूं, बालफाज दीगर मैं कुरान और हदीस के ऊपर हूं, इसलिए कि दोनों की दोनों मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। वमा अना इल्ला नज़ीरु मुबीन, मैं तो एक खुला हुआ डराने वाला हूं, अल्लाह साबित हुआ। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मा अना अलै, यानी मैं कुरान और हदीस का मुत्तबे हूं, इसलिए कि दोनों मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, दोनों वही हैं। इल्ला मा युहा इलैया, अब बताइए मा अना अलैहि वासहाबी के अंदर अलामत बता दी गई कि अहलुल हदीस की पहचान क्या है, जिस पर मैं हूं, नबी किस पर, कुरान और हदीस पर। लिहाजा अहलुल हदीस कुरान और हदीस ही को तो फॉलो करते हैं। एक अलामत मिली, एक साइन मिली जो फिट होती है सिर्फ इसी फिरके के ऊपर, ला तज़ालु तौइफ़तुन मिन उम्मती, अहले हदीस के ऊपर फिट होती है। चलिए दूसरी हदीस की तरफ पलटते हैं, बड़ी अजीब गरीब हदीस है और बड़ा प्यारा इस्तिदलाल है, सांस रोक करके सुनो हदीस। हदीस इस तरह, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नता, अला सूरतिल कमरी लैलतल बद्र वल्लज़ीन अला आथारिहिम كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم رواه البخاري في كتاب بدء الخلق। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताब बदء الخلق के अंदर लाए, रावी जैसा कि मालूम हुआ हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने। बहुत गौर से सुनिए इस हदीस पाक से इस्तिदलाल देखिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा, अव्वलु ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नत, मैंने बताया कि लोग गरोह दर गरोह जन्नत के अंदर जाएंगे। हटाओ उसको, लड़के को हटाओ यहां से। अव्वलु ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नत, पहला गरोह जो जन्नत में दाखिल होगा, इसका मतलब लोग गरोह दर गरोह जन्नत में दाखिल होंगे और उनका एक इमाम होगा। तो अव्वलु ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नत, पहला गरोह जो जन्नत में दाखिल होगा, कैफियत क्या होगी बताया गया, अला सूरतिल कमरी लैलतल बद्री, उनका चेहरा ऐसा होगा जैसे 14वीं रात का चांद। अला सूरतिल कमरी लैलतल बद्री, इतने खूबसूरत होंगे जैसे 14वीं रात का चांद होगा। अच्छा, उसके बाद वल्लवीना अला आसारिहिम, उनके आसार के ऊपर यानी उनके बाद जो जाएंगे वो कैसे होंगे, कअहसनी कौकबिन दुर्रीन फिस समाई वातन, आसमान में सबसे रोशन हसीन सितारों की तरह होंगे। वल्लदीन अला आसारिहिम कअहसनी कौकबिन दुर्रीन फिस समाई वातन, आसमान में सबसे रोशन हसीन सितारों की तरह उनके चेहरे होंगे, ये जो उनके पीछे जाने वाले हैं। ये पहला गरोह चला गया, उसके बाद इनके बाद वाले गरोह जा रहे हैं, ये कैसे होंगे,
का अहसनी कौकबिन दुर्रीयिन फिस समाई वातन। अच्छा, कुलूबहुम अला कल्ब रजुलिन वाहिदिन, इन सबके दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे, एक आदमी के दिल की तरह। अब बताया गया कि हर एक आदमी को दो बीवियां मिलेंगी हूरे इन में से, दो, और कैसी होंगी? इतनी हसीन, अल्लाह, युरा मुखसूकहिन्ना मिन वराइल अज्मि वल्लहमि, उनकी पिंडलियों का जो गूदा होगा हड्डी के और गोश्त के पीछे से दिखाई देगा, इतनी हसीन होंगी। अल्लाह, युरा मुखसूकहिन्ना मिन वराइल अज्मि वल्लहमि, इतनी हसीन होंगी। लोग मामूली सूरत की लड़कियों के लिए अपने आप को हलाक कर लेते हैं, जान खतरे में डाल देते हैं। अरे जान खतरे में डालो तो ऐसी औरतों के लिए डालो। यरा मुखसूकहिन्ना मिन वराइल अज्मि वल्लहमि, जिनकी पिडलियों का गूदा मुखसूकहिन्ना, कहते मिन वराइल अज्मि वल्लहम, हड्डी और गोश्त के पीछे से दिखाई दे, इतनी हसीन होंगे। इस्तिदलाल यह करना है कि पहला गरोह जो जन्नत के अंदर जाएगा उनके दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे, इसी से इस्तिदलाल करना है मुझे। अब बताइए, जितने अहलुल हदीस हैं सबका दिल एक ही आदमी के दिल की तरह है कि नहीं? किताब और सुन्नत, तीसरा चौथा हम कुछ नहीं जानते। अरे कल्ब रजुलिन वाहिदिन, इसके अलावा आप जितने भी फिरके हैं आप देख लीजिए। पहला फिरका आया करामिया, उसने क्या कहा कि ईमान नाम है तस्दीकुम बिल कल्ब का, कल्ब से तस्दीक कर दो, दिल से तस्दीक कर लो, बस काफी है। न इकरार बिल लिसान की जरूरत है, ना अमल बिल अरकान की जरूरत है, सिर्फ ईमान नाम है तस्दीकुम बिल कल्ब का। उसके बाद मुर्जी आए, उन्होंने कहा कि ईमान नाम है तस्दीकुम बिल कल्ब का और इकरार बिल लिसान का, अमल की जरूरत नहीं है। उसके बाद मुर्जिया के बाद आते हैं खवारिज, खवारिज कहते हैं कि ईमान नाम है दिल से तस्दीक का, जबान से इकरार का, अमल बिल अरकान का, मगर अगर कोई आदमी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो तो ईमान से निकल करके कुफर में पहुंच जाता है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर हो जाता है। ये देखिए डिसबैलेंसिंग हो गई। उसके बाद आए मुतज़िला, इन्होंने कहा ईमान नाम है दिल से तस्दीक का, जबान से इकरार का, आजा से अमल का, मगर गुनाह कबीरा का मुर्तकिब ईमान से तो निकल जाता है, इस्लाम से निकल जाता है, मगर कुफर में दाखिल नहीं होता। यह मंजिलतुन बैना मंजिलतैन रहता है, बीच में हैंग रहता है, लटका हुआ रहता है, ये न इस्लाम में रहता है न कुफर में रहता है। उसके बाद अहलुल हदीस का यह अकीदा बताया गया कि ईमान नाम है तस्दीकुम बिल कल्ब का, इकरारुम बिल लिसान का, और अमल बिल अरकान का, तीनों के मजमुए का नाम, और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर नहीं होता, बल्कि तौबा करे तो गुनाह कितना भी कर ले तौबा के बाद गुनाह माफ हो जाते हैं और वो जन्नती हो जाता है। अब देखिए, और अजीब बात तो ये है कि जितने भी अहलुल हदीस हैं सब इसी बात के कायल हैं। दलील, इमामुल मुहद्दिसीन रईसुल फुकहाए वल मुहद्दिसीन, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कतबतु अन अल्फिन व समानीन नफ्सन लैस मिनहुम इल्ला साहिबु हदीसिन वलम अक्तुब इल्ला मन قال الايمان قول وعمل। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 1080 असातिजा से हदीसें ली हैं, कतबतु अन अल्फिन व समानीन नफ्सन, मैंने हदीस ली है 1080 असातिजा से। अच्छा, लैस मिनहुम इल्ला साहिबु हदीसिन, उसमें कोई ऐसा नहीं था जो मुहद्दिस ना हो,
और अहल हदीस ना हो, लैस मिनहुम इल्ला साहिब हदीस, उनमें कोई ऐसा नहीं था जो साहिबुल हदीस ना हो, वलम अकतुब, मैंने किसी ऐसे मुहदीस से हदीस नहीं ली है, इल्ला मन काला, मगर वो इस बात का एतकाद रखता था कि ईमान नाम है कौल और अमल दोनों का। इसका मतलब यह हुआ कि मुहदसिन की पूरी जमात ये इस बात की कायल है कि ईमान नाम है तस्दीकुम बिलकल्ब का, इकरारुम बिल्लिसान का, और अमल बिल अरकान, तीनों के मजमूए का नाम ईमान है। इसका मतलब मुहद्दिसीन के दिल एक जैसे हैं, इसलिए कि उनका अकीदा एक जैसा है। अब आप देखेंगे कि इनके अलावा सारे के सारे लोगों के दिल अलग अलग हैं। इमाम अबू हनीफा फरमा रहे कि नमाज के अंदर 7 फर्ज हैं, साहिबैन ये कह रहे कि 6 हैं। चलिए, नमाज ही के अंदर फैसला नहीं हो पा रहा है। साबित यह हुआ कि इस हदीस पाक से कुलूबुहुम अला कल्बे रजुलिन वाहिद से मुराद अहलुल हदीस है, या चलो मुहद्दिसीन है। अभी मैं साबित करूंगा कि क्या अहलुल हदीस से मुराद सिर्फ मुहद्दिसीन ही है। चलिए, एक इलामत मिली हमको, एक साइन मिला, कुलूबुहुम अला कल्बे रजुलिन वाहिदिन, इस ताइफा के दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे। अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये रिमार्क, ये तफसरा कितना अजीब गरीब है कि कतबतु अन अल्फिम व समानी नफसन लैस मिनहुम इल्ला साहिब हदीस वलम अक्तुब इल्ला मन काला अल ईमान कौल व अमल। सारे मुहद्दिसीन के दिल एक आदमी के दिल की तरह, सबकी फिक्र एक आदमी की फिक्र जैसी। एक साइन यहां मिला। अब आगे बढ़ते हैं। यह हदीस पाक जिसे मैं अब बयान करने वाला हूं, जिसके अंदर साफ साफ वो साइंस और अलामतें बता दी गई हैं जो पूरी अहलुल हदीस पर फिट होती हैं। हदीस इस तरह, वान सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يزرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل رواه ابن ماجه في كتاب المقدمة في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم। حضرت امام ابن ماجه رحمه الله كتاب المقدمة کے اندر باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم کے اندر یہ حدیث لائے ہیں۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزالوا, गिनते जाओ, बराबर रहेगी, बराबर रहेगी, यानी दुनिया कभी उनसे खाली नहीं होगी। जी, दुनिया उनसे कभी भी खाली नहीं होगी, यह ला तजालो का मफाद है। अब आप देखेंगे कि बराबर रहेगी, नबी के दौर में भी रहेगी, सहाबे किराम के दौर में रहेगी, दुनिया कभी उनसे खाली नहीं होगी, वो जमात रहेगी। क्या इमामों के नाम पर फिरके बनाने वाले ये दावा कर सकते हैं कि इस हदीस से मुराद वो लोग हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं 80 के अंदर, इंतकाल होता है 150 के अंदर। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं 150 के अंदर और इंतकाल होता है 204 के अंदर। हजरत इमाम मालिक पैदा होते हैं 90 के अंदर, इंतकाल होता है 189 के अंदर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल पैदा होते हैं 164 में और इंतकाल होता है 241 के अंदर। अब बताइए, 80 से पहले कोई इमाम है ही नहीं। इन इमामों के नाम पर जो फिरके बने हैं, क्या ये फिरके दावा कर सकते हैं कि ला तजालो के अंदर दाखिल है? ला तजालो बराबर रहेगी। अब ला तजालो से बराबर रहेगी, यानी इमाम अबू हनीफा से पहले भी ये जमात रहेगी, 80 से पहले भी है। जाहिर है कि फिरके बाद में बने, ये फिरके तो इस हदीस में आ ही नहीं सकते, इस हदीस के दायरे में दाखिल ही नहीं हो सकते, खारिज है सब। ला तजालो बराबर रहेगी। अच्छा, ताइफतुन, एक ही गिरोह होगा, वो ये कहते 4 और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे एक ही गिरोह होगा। ये 2 अलामतें हुई, ला तजालु ताइफतुन मिन उम्मती, मेरी उम्मत के। अच्छा, अलल हक, ये तीसरी अलामत बताएगी। अब आइए हम देख लें कि हक के ऊपर होंगे, हक से क्या मुराद है। अल्लाह, गौर से सुनिए, हक किसको कहा है कुरान हकीम में और हदीस पाक में अल्लाह ने और उसके रसूल ने। आयत करीमा देखिए, अल्लज़ीन कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाह अضل आमालहुम वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहाति व आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक मिन रब्बिहिम कफ्फर अनहुम सय्यिआतिहिम व असलाह बालहुम। वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किया और ईमान लाए उस चीज पर जो
نازل ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم. قرآن حکیم یہ لوگوں کے رب کی طرف سے حق ہے. اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوا کہ یہاں حق سے مراد قرآن حکیم ہے. آگیا قرآن. اب حدیث کیا ہے؟ وہ بھی حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت اکتب کل شئین اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظہ فنہتنی قریش وقالو اتکتب کل شئین تسمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا فامسکت عن الکتاب فذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاوما باصبعه الى فيه فقال اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه ابو داؤد في کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو لکھ لیتا تھا. کنت اكتب كل شيء اسمعه جو نبی سے سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا. کیوں؟ کتابت ثابت ہوئی. جس طرح قرآن لکھا جاتا تھا حدیث بھی لکھی جاتی تھی. اور اريد حفظہ تاکہ لکھ کر کے میں یاد کروں. جیسے قرآن یاد کیا جاتا تھا حدیث بھی لکھ کر کے صحابہ یاد کرتے تھے. اريد حفظہ میں اس کو بائی ہارٹ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا. تو قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ تو جو کچھ سنتا ہے نبی سے لکھ لیتا ہے. اتکتب کل شئ تسمعہ سب لکھ لیتا ہے. انہوں نے کہا ہاں لکھ لیتا ہوں. کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. یتکلم فی الغضب والرضا کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں. تو غصے میں بولتے ہیں تب بھی لکھ لیتا ہے. وہ غلط ہو سکتا ہے غصے میں آپ بولیں تو غصے کی حالت میں بھی جو آپ بولیں اسے بھی لکھ لیتا ہے. خوشی کی حالت میں بولیں تب بھی لکھ لیتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ فام سکتو انل کتاب. کہتا ہے کہ میں کتابت سے رک گیا حدیث لکھنا بند کر دیا. لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ سے جو کچھ میں سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا. لیکن قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ آپ بشر ہیں آپ کبھی غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں آپ کچھ غلط بول جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی انگشت مبارک سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا فقال اکتب اے عبداللہ ابن عمر ابن عاص لکھتا جا والذی نفسی بیدی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما یخرج منہ الا حق اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے سب حق ہی نکلتا ہے چاہے غصے میں بولوں چاہے خوشی میں بولوں. گویا کہ آپ خوشی میں بولے تب بھی حق ہی اس زبان سے نکلتا ہے اور غصے میں بولے تب بھی حق ہی نکلتا ہے. پتہ یہ چلا کہ زبان نبوی سے جو چیز نکلتی ہے وہ حق. قرآن حکیم سے معلوم ہوا کہ حق نام ہے قرآن کا. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حق نام ہے حدیث پاک کا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے. پتہ یہ چلا علی الحق حق کے اوپر ہوں گے یعنی قرآن و حدیث. قرآن و حدیث مراد ہے. حق سے قرآن سے ثابت ہوا حدیث سے ثابت ہوا. اور اہل حدیث کا یہی منہج ہے کہ قرآن اور حدیث ہی کو فالو کرو مضبوطی سے پکڑو. تو کتنی علامتیں ہوئی گنو. لا تزالو برابر رہیں گے ایک طائفتن ایک ہی گروہ ہوگا اور علی الحق حق کے اوپر ہوگا یعنی قرآن و حدیث کو فالو کرنے والا ہوگا. منصورین منصور ہوگا. منصور کا مطلب غالب ہوگا. غالب ہوگا اور غلبہ ہر طریقے کا خاص طور سے دلائل کا غلبہ. دلائل کا غلبہ اور غلبہ اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو پریشانی سے تکلیف سے نجات دے دے وے. مثلا غور سے سنیے ایک مسئلہ آیا. سعودی عرب کے علماء کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ 25 لاکھ 30 لاکھ حاجی حجاج یہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں. شیطان کو کنکری مارنے کے لیے رمی جمار کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. کچھ لوگ گر پڑتے ہیں مر جاتے ہیں تکلیف ہو جاتی ہے. تو ایسا کیا جائے کہ چند فلورز بنا دیے جائیں. فرسٹ فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور. کچھ نیچے سے رمی جمار کریں کچھ فرسٹ فلور سے کچھ سیکنڈ فلور سے کچھ تھرڈ فلور سے کچھ اور فورتھ فلور وغیرہ سے. تو کیا یہ فلور بنانا جائز ہے رمی جمار کے لیے؟ میں نام ہے سعودی علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے درست نہیں ہے. مسلمان مشکل میں ہیں. سعودی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جائز نہیں ہے.
अल्लाह रहम फरमाए अल्लामा इब्ने बास के ऊपर उन्होंने कहा जायज है। तमाम उलमाए सऊदिया परेशान हैरान, उन्होंने दलील मांगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने बास ने, इब्ने बास रहमतुल्लाह ने दलील दी। वो दलील जो उनके सामने थी मैं पेश कर देता हूं उनकी तरफ से। अन इब्न जुरैज कौल اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه رواه مسلم في كتاب الحج حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے راوی حضرت جابر ہیں حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران، آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، نبی نے کتنے حج کیے؟ ایک حج، فرسٹ اینڈ لاسٹ، اور عمرے کتنے کیے ہیں؟ چار۔ زندگی میں آپ نے چار عمرے کیے ہیں اور ایک ہی حج کیا ہے، یہ حج جو آپ کر رہے ہیں اور جس حج کا حوالہ حضرت جابر دے رہے ہیں یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے، یہی پہلا بھی ہے یہ آخر بھی ہے۔ حضرت جابر فرما رہے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتی یوم النحر، میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران دیکھا کہ آپ رمی جمار کر رہے ہیں، شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، اس حال میں کہ آپ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں۔ استدلال، اونٹنی کے اوپر سوار ہیں۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتی، تو کوئی آدمی اگر نیچے سے رمی جمار کرے جائز ہے، سواری کے اوپر سے کرے جائز ہے، اب اوپر ہیں آپ فلور بنا دیا جائے جائز ہے، دو فلور بنا دیا جائے جائز ہے، تیسرا فلور بنا دیا جائے جائز ہے۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتی یوم النحر، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے حج میں رمی جمار کر رہے ہیں اپنی اونٹنی کے اوپر، علی راحلتی یوم النحر، یوم النحر کے۔ تو اہل حدیث علماء یہ امت کی روح ہے، امت کی جان ہے، اور جب تک ایک اہل حدیث زندہ ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیں لا تزالو برابر رہیں گے، یہ بات فٹ ہوتی ہے صرف اہل الحدیث پر۔ دوسرے طائفتن، ایک گروہ ہوگا انہی پر فٹ ہوتا ہے، علی الحق، حق قرآن و حدیث اس کو فالو کر رہے ہیں، منصورین، دلائل کے اعتبار سے بھی غالب، امت کو پریشانیوں سے نکال دیں، اور مناظرہ ہو تو مخالف کا ناطقہ بند کر دیں، دلائل کے اعتبار سے بھی منصور، اور ایک گلی میں کوئی اہل حدیث ہو چند دنوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پوری جماعت بن گئی ہے، یہ منصور نہیں تو اور کیا، یہ کسی اور جماعت کے اوپر فٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لا یزرہم من خالفہم، مخالفت برابر ہوتی رہے گی، کیا کیا نہیں کیا گیا ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں تو ان کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا ہے کہ جس پر انسانیت شرمسار ہو جائے، اور کیا ہے اپنوں نے۔ پہلے تو مقلدین نے اپنی زیر انتظام مساجد میں سے ان کو باہر نکال دیا، اس وجہ سے کہ یہ رفع الیدین کرتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ زور سے آمین کہتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، انہوں نے اہل حدیثوں کو اپنی مسجدوں سے نکال دیا۔ اس کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ان میں پیش پیش اہل الحدیث ہیں، انہوں نے وہابی کا لقب دے کر کے ان کو بدنام کرنا شروع کیا کہ انگریزی حکومت کے خلاف یہ وہابی لوگ ہیں۔ وہابیوں سے مراد کون؟ اہل الحدیث۔ لہذا جو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا جاتا، زور سے آمین کہتا ہوا سنا جاتا، سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا جاتا، اس کو فوراً اٹھا لیا جاتا۔ ہزاروں لاکھوں اہل حدیثوں کے مکانات کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، تختہ دار پر ان کو لٹکا دیا گیا، ان کی مشکیں کس کر کے گرم گرم
लोहों से उनको दाग दिया गया, बहुत सारे लोगों को काले पानी की सजा हुई। मौलाना अहमदुल्ला सादिक पूरी रहमतुल्ला अलैह मदफून है इंदमान, जज़ीरे इंदमान के अंदर मदफून है, अहले हदीस आलिम है। मौलाना अहमदुल्ला सादिक पूरी, ये विलायत अली सादिक पूरी कौन है? अहले हदीस हैं। इनायत अली कौन है? सादिक पूरी अहले हदीस हैं। मौलाना जाफर थानेसरी, ये सब कौन है? ये सब मुजाहिदीन आजादी हैं और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में, और इनको हिंदुस्तान से, इस सरजमीन से उनके नापाक कदम को उखाड़ने के लिए पेश पेश रहे, और सरहदी इलाकों में जबरदस्त सरगर्म अमल थे, पूरी हुकूमत की नाक में दम हो गया था अंग्रेजों की, इस कदर ये लोग सरगर्म अमल थे। लिहाजा इनको वहां भी कहकर के बदनाम किया गया, जहां इनको रफुलदेन करते हुए देखा जाता पकड़ लिया जाता, जायदादें कुर्क करा ली जाती। और अंग्रेजी मुहर्रिख बर्क ने, जिसका तर्जमा हुसामुद्दीन साहब ने तस्वीर का दूसरा रुख इस नाम से किया है, आप देखेंगे ऐसे रूह फरसा मजालिम अहले हदीसों के ऊपर ढाए गए कि तारीख के औरा ऐसा लगता है जैसे रो रहे हूं। उसने लिखा कि 150 वहाबियों को खड़ा करके जब उनको गोली मार करके हलाक कर दिया गया, तो एक बूढ़ा अंग्रेज सिपाही गश खाकर गिर पड़ा। 44 वहाबियों को पकड़ करके लाहौर लाया गया और तोप की नाल में बांध करके तोप से इनको उड़ा दिया गया। मैं पूछता हूं कि अगर फितना परवरी से कुछ वक्त बचता हो तो हिंदुस्तान की तारीख आजादी के ऊपर नजर डाल लो कि अहले हदीसों ने कितना खून बहाया है इस देश के लिए और अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए। ये सब कुछ उनके साथ किया जा रहा था। मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह एक अहले हदीस आलिम, उन्होंने देखा कि इस तरीके से अगर पकड़ धकल जारी रही तो कोई भी अहले हदीस हिंदुस्तान में जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने आवाज बुलंद की और हुकूमत के पास यह दरखास्त भेजी कि हमें वहाबी कहकर के बदनाम किया जाता है, लिहाजा हमारा नाम वहाबी के लकब से न जिक्र किया जाए बल्कि हमको हमारे पहले नाम से मुखातब किया जाए, और वो अहलुल हदीस है। यारों ने प्रोपेगंडा किया कि अहले हदीसों के आलिम मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अंग्रेजों से यह नया नाम लिया अहलुल हदीस, लिहाजा ये अंग्रेजों की औलाद है। जवाब उसका यह है कि अंग्रेजों के, अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों के मजालिम से तंग आकर के मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने लकब अहलुल हदीस बनवाया नहीं, सरकारी हुकूमत से मनवाया, बनवाया नहीं मनवाया, ये याद रहे, बनवाया नहीं मनवाया। मतलब ये नहीं था दरखास्त का कि हमें ये वहाबी लफ्ज पसंद नहीं है लिहाजा वहाबी लफ्ज छोड़ करके कोई दूसरा नाम अहलुल हदीस अलॉट मेंट कर दिया जाए, बल्कि 1886 के अंदर जो दरखास्त गई है मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी की, यह दरखास्त है जो इस बात का सबूत है कि दरखास्त देने वाले अपने आप को पहले से अहलुल हदीस कहते थे और इनको पहले ही से अहलुल हदीस पुकारा जाता था। लिहाजा यह कहना कि इन्होंने यह नाम खैरात में अंग्रेजों से लिया है, यह दरहकीकत तारीख के साथ नाइंसाफी है और तारीख के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। हमारा पहले से नाम अहलुल हदीस है। यह सवाल किया जाता है कि अहलुल हदीस से मुराद मुहद्दिसीन हैं, आप लोग उससे मुराद नहीं हैं। जवाब उसका यह है कि मुहद्दिस एक टर्म है, एक इस्तेलाह है, जिसका मतलब होता है आलिम बिल हदीस। अहलुल हदीस का मतलब होता है हदीस वाले, तो मुहद्दिस जो टर्म है उसका मतलब तो है आलिम बिल हदीस, इसका जानने वाला।
लेकिन अहलुल हदीस के अंदर आलिम बिल हदीस और आमिल बिल हदीस दोनों दाखिल हैं। इसका मतलब है कि मुहद्दिस और अहलुल हदीस के दरमियान मंतिक की नसब अरबा में से एक निस्बत उमूम खुसूस मुतलक है कि हर मुहद्दिस अहलुल हदीस है मगर हर अहलुल हदीस मुहद्दिस नहीं है। मुहद्दिस जो टर्म है उसका मतलब है आलिम बिल हदीस, और अहलुल हदीस का मतलब होता है आलिम बिल हदीस और आमिल बिल हदीस, हदीस का जानने वाला भी और हदीस के ऊपर अमल करने वाला भी। ये मैं नहीं कह रहा, हजरत इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मजमूओ फतावा के अंदर उनका एक कौल नकल किया गया है, वो कहते हैं वनहनु ला नानी बि अहलिल हदीसी अल मुक्तसरीन अला समाईही औ किताबतही औ रिवायतही बल नानी बिहिम कुल्ल मन काना अहक बिहिफ्ज़िही व मारिफतिही व फहमिही ज़ाहिरन व बातिनन व इत्तिबाईही बातिनन। फतावा शेखुल इस्लाम के अंदर ये इबारत मौजूद है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम अहलुल हदीस से मुराद सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं लेते जो हदीस को सुनते हैं, हदीस की रिवायत करते हैं, हदीस को लिखते हैं, बल्कि अहलुल हदीस से मुराद हम उन तमाम लोगों को लेते हैं जो हदीस को याद करते हैं, हदीस को जानते हैं, हदीस को पहचानते हैं, हदीस की इत्तेबा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हदीस का मुत्तबे भी अहलुल हदीस है और हदीस का इल्म रखने वाला भी अहलुल हदीस है, लिहाजा मुहद्दिस और अहलुल हदीस के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। दूसरे ये के चलो मान लेते हैं हम कि अहलुल हदीस से मुराद मुहद्दिसीन ही हैं, लेकिन जान लीजिए कि हम लोग उन्हीं मुहद्दिसीन की, जिनको कह रहे हैं कि मुहद्दिसीन ही को अहलुल हदीस कहा जाता है और अहलुल हदीस जब बोला जाता है तो मुहद्दिसीन ही मुराद होते हैं, ठीक है हम मान लेते हैं कि अहलुल हदीस से मुराद मुहद्दिसीन ही हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को अहलुल हदीस इस वजह से कहते हैं कि हम मुहद्दिसीन ही के मनहज के पैरोकार हैं और हम हदीस को उसी तरीके से समझते हैं, हदीस की इत्तेबा उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से मुहद्दिसीन करते हैं, तो हम इस मामले में मुहद्दिसीन ही के मनहज के पैरोकार हैं। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला की सुन्नत एक ही चीज के बारे में दो नहीं हो सकती कि मुहद्दिस के बारे में अलग सुन्नत हो और मुहद्दिसीन के मनहज पर चलने वालों के लिए अलग सुन्नत हो, इसलिए कि यह बात कुरान हकीम से साबित है। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया वस्साबिकून अलअव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीन तबऊहुम बिहसान राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि असल और उनकी इत्तबा करने वाले दोनों के बारे में अल्लाह ताला ने रजी अल्लाह अन्हु व रजू अन्हु कहा। इसका मतलब यह हुआ कि असल और उसके ताबे दोनों के लिए अल्लाह की सुन्नत है कि एक ही हुक्म दोनों के ऊपर लगाया जाए। लिहाजा आपके कहने के मुताबिक अहलुल हदीस से मुराद अगर मुहद्दिसीन ही है चलो मान लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को अहलुल हदीस इस वजह से कहते हैं कि हम मुहद्दिसीन ही के मनहज के पैरोकार हैं, लिहाजा उनके लिए अल्लाह की जो सुन्नत है हम चूंकि इत्तबा करते हैं, हमारे लिए भी कुरान हकीम की इस आयत की रूह से वही सुन्नत जारी होगी जो मुहद्दिसीन के लिए है, इसलिए कि अल्लाह की सुन्नत इस बारे में दो नहीं हो सकती, एक ही है। और वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को पेश नजर रखे तो बात और वाज़े हो जाती है। हदीस इस तरह वा नबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अनहु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم في كتاب البر والصلاه والاداب। हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक को ऐसे किताब البر والصلاه والاداب के अंदर लाए, रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अनहु। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबाराक व तआला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमलों को देखता है। तो उस आयत करीमा की रोशनी में और इस हदीस
رسول کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل اور متبع دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، لہذا اس اعتبار سے ہمارا اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنا بالکل صحیح ہے۔ اچھا ایک نکتہ بتا رہا ہوں، اگر سانس روک کر کے سنو سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ سوال قائم کرتا ہوں کہ اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی چپ رہو، بولو کیا یہ سننے کے لیے آئے ہیں؟ اہل حدیث فرقہ کب بنا، یہ میری طرف سے سوال، وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے، سوال اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ جواب، فرقہ تب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو۔ اہل الحدیث تو اپنی اصل سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے، جب سے حدیث ہے تب سے وہ فرقہ۔ جب بنتا ہے جب کوئی اپنی اصل سے جدا ہو جائے۔ یہیں پر وہ نقطہ حل ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے یہ دوسری اذان کیوں جاری کی؟ بدعت ہے تو ہر بدعت گمراہی ہے، تو گویا کہ حضرت عثمان غنی بدعت کے مرتکب ہوئے۔ بدعت نہیں ہے، اذان کا مقصد تھا لوگوں کو نماز کے لیے بلانا۔ آبادی زیادہ ہو گئی، کثر الناس، یہ علت ہے، کثرت تعداد علت ہے۔ علت پائی گئی تو اذان کو مقام زورا میں دلایا۔ بدعت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ فرا اپنی اصل سے جدا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ فرقہ جب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو۔ اچھا ایک سوال اور قائم کرتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو تم اہل الحدیث اپنا نام کیوں رکھتے ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اہل الحدیث جو نام ہے یہ وصفی ہے، مسلم ذاتی ہے، اور وصفی نام رکھنا جائز، یہ تو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں اور عقلی طور پر بھی ثابت کروں گا۔ پہلے یہ ثابت کروں گا کہ وصفی نام رکھنا جائز ہے، دلیل دلیل یہ حدیث پاک۔ وانی زہری سمع محمد ابن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي رواه مسلم في كتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب الفضائل کے اندر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ذاتی نام ایک محمد ایک احمد ہے، اور میرے کئی وصفی نام ہیں، ایک حاشر ہے، ایک عاقب ہے، ایک ماہی ہے، ایک رحیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک نقطہ یاد رکھو کہ کسی ذات کے متعدد صفات اس کی عظمت پر دلیل ہوتے ہیں۔ نہیں، قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا طالب علم جانتا ہے کہ قیامت کے بے شمار نام ہیں، یوم التغابن، الواقعہ، الحاقہ، القارعہ، پچاسوں کے قریب اس کے نام۔ ایک نام یوم التغابن، ہار جیت کا دن، چار سو سے زیادہ ہے، جیسا کہ حضرت فرما رہے ہیں یوم التغابن اسی میں سے ہے، یوم التغابن ہار جیت کا دن، ہار جیت کا دن۔ اس دن جنتی جیت جائیں گے، کافر ہار جائیں گے، اس وجہ سے اس دن کا نام یوم التغابن پڑا، ہار جیت کا دن۔ اور کیسی ہار، یہاں تو کرکٹ والے ہار جاتے پھر جیت جاتے ہیں، وہاں کوئی آپشن ہے ہی نہیں، ایک دفعہ جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا، جو ہار گیا سو ہمیشہ کے لیے ہار گیا، کوئی آپشن نہیں ہے، سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں، آپشن ہے ہی نہیں، جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ لہذا اصل کامیابی در حقیقت آخرت کی کامیابی، وہاں جو کامیاب ہو گیا در حقیقت حقیقی کامرانی، حقیقی کامیابی اسی کو ملی۔ تو کسی چیز کے متعدد نام، متعدد اسماء، اس کی متعدد صفات اس چیز کی، اس ذات کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں۔ جیسے قیامت ایک امر عظیم ہے، اسی وجہ سے 400 سے زیادہ اس کے نام ہیں۔ اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی چیز کے متعدد نام اور کسی چیز کی متعدد صفات اس کی عظمت شان کے اوپر دلیل ہوتی ہے،
अरबों के यहां, अहले अरब के यहां तलवार की बड़ी अजमत थी, बड़ी अहमियत थी, लिहाजा उन्होंने सिर्फ तलवार के लिए 500 अल्फाज जमा किए। 500 वर्ड है तलवार के लिए। तलवार के लिए कितने वर्ड है? 500 अल्फाज है सिर्फ तलवार के लिए। इतनी रिच लैंग्वेज है ये अरबी। तलवार के लिए सिर्फ 500 वर्ड है, 500 अल्फाज है, इतनी रिच लैंग्वेज है। गोया कि तलवार उनके लिए बहुत अहम थी, लिहाजा उसके नाम बहुत ज्यादा। इसी वजह से अहलुल हदीस, कभी अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं, कभी अस्हाबुल हदीस कहते हैं, और कभी सलफी कहते हैं, और कभी मोहम्मदी कहते हैं। ये बहुत सारे नाम मुतअद्दिद सिफात दर हकीकत अहलुल हदीस की जात, जाते मुस्लिम के अजमत के ऊपर दलील है। इस वजह से इन्होंने कई नाम रख लिए। अच्छा, मुस्लिम नाम अल्लाह ने रख दिया तो आपने वस्फी नाम क्यों रखा? इसलिए कि हदीस से साबित है वस्फी नाम रखना, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम बताए गए और उसके बाद आपने अपने वस्फी नाम बताए, तो वस्फी नाम रखना जायज हुआ। अब मंतकी दलील, मंतकी दलील ये कि अगर जात, जाती नाम कोई है और अगर वस्फी नाम रखा जाए तो ये जो वस्फी नाम है ये जाती नाम का मुअर्रिफ हो, मुकस्सिम ना हो। लफ्ज याद रखा जाए, जाती नाम का मुअर्रिफ हो, मुकस्सिम ना हो, तारीफ करने वाला हो, वजाहत करने वाला हो, और उसकी वजाहत करने वाला हो, तकसीम करने वाला ना हो। अब बताइए, इस्लाम इज इक्वल टू अहलुल हदीस, दुरुस्त है कि नहीं? इसलिए कि इस्लाम नाम है कुरान और हदीस का, कुरान और हदीस से जो कुछ बाहर वो इस्लाम है ही नहीं, लिहाजा इस्लाम इज इक्वल टू अहलुल हदीस। और इस्लाम इज इक्वल टू अहलुल हदीस और मुस्लिम इज इक्वल टू अहलुल हदीस, तो अहलुल हदीस जो नाम है जाती नाम का मुअर्रिफ है, मुमय्यिज है, मुकस्सिम नहीं है। अगर हनफी और शाफी रख दिया जाए तो ये मुकस्सिम है, लिहाजा अहलुल हदीस रखना दुरुस्त है, और किसी शख्सियत की तरफ इंतसाब करके नाम रखना दुरुस्त नहीं, इसलिए कि वो मुकस्सिम है, तकसीम करने वाला है, मुअर्रिफ और मुमय्यिज नहीं है। क्या ये नाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जमाने में भी था? जी हां था। दलील, दलील ये असर, व अनिशेबी ये कॉल करिहल अव करिहल करिह الصالحون الاولون الاكثار من الحديث ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما اجمع ما حدثت الا بما اجمع عليه اهل الحديث تذكرة الحفاظ قال الحاكم في ترجمة الشيبي امام عامر شیبی کے ترجمے میں یہ نقل ہے اور تذکرۃ الحفاظ میں قول موجود ہے حضرت شیبی فرما رہے کہ پہلے کے نیک لوگ زیادہ حدیث بیان کرنے سے जरा बचते थे, और वो बात जो मुझे बाद में मालूम हुई अगर पहले मालूम हो गई होती तो मैं वही हदीस बयान करता जिस पर तमाम अहलुल हदीस का इजमा था। और ये शेबी कौन है? ऊपर किसी का इजमा, इतने लोगों की तादाद हैरत अंगेज है। जी चाहता है कि इस पर भी एक हदीस आपके सामने मैं पेश कर दूं। हदीस, हदीस इस तरह, वान अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल खैरुन नास करनी ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على الشهاده والعهد رواه البخاري في كتاب الشهادات حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الشهادات کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ جب تک اپ حیات ہیں अब आपके जमाने के बाद कौन सा जमाना बचता है? सहाबे किराम का। और सहाबे किराम का जमाना उसके बाद ताबेईन का जमाना। ये तीन जमाने, खैरुन नास करनी ये मेरा जमाना, सुम्मल्लदीना यलूनो फिर इस जमाने से जो लोग मुंसलिक सहाबा, सुम्मल्लदीना यलूनो फिर मेरे सहाबा से जो मुंसलिक है, इसका मतलब दौरे नबवी, दौरे सहाबा, दौरे ताबेईन, और दौरे सहाबा के अंदर ये लफ्ज मौजूद था, इसका मतलब सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन लफ्ज़े अहलुल हदीस से अच्छी तरह वाकिफ थे। अब आखिरी बात रह गई, क्या ये नाम रखना जरूरी है? जी हां, जरूरी है, जरूरी है। क्यों? दलील उसकी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या ये होता था कि ये हदीस सही है या हदीस ज़ईफ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कह रहे, कोई हदीस बयान कर रहे, तो उसका
मतलब यह था कि जो कुछ आप बयान कर रहे हैं वो सब सही है। आप ये थोड़ी कहते थे कि ये बयान कर रहा हूं ये हदीस सही है हदीस ज़ईफ़ है। और सहाबे किराम भी ये नहीं कहते थे कि ये हदीस सही है हदीस ज़ईफ़ है। अच्छा, बाद में जब सही हदीसों के अंदर ज़ईफ़ हदीस घुस गई तो फुकहा ने मुहद्दिसीन ने कहना शुरू कर दिया कि यह हदीस सही है हदीस ज़ईफ़ है, ताकि मालूम हो जाए कि सही हदीस क्या है ज़ईफ़ हदीस क्या है, ताकि लोग ज़ईफ़ हदीसों को छोड़ करके जो इंसानों ने गढ़ ली थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर आ जाएं। तो आज पहले मुसलमानों के मुकाबले में सिर्फ काफिर थे तो और नाम रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे चल करके जब बिदातें फैली तो मुस्लिम के साथ साथ अहले सुन्ना नाम रखा गया बिदातियों के खिलाफ, और सुन्नत का पता चूंकि हदीस से चलता था लिहाजा अहलुल हदीस उन्होंने नाम रखा, इसलिए कि अहलुल सुन्ना हो ही नहीं सकता कोई जब तक कि अहलुल हदीस ना हो, इसलिए कि सुन्नतों का पता हदीस ही से चलता, कोई सुन्नत ढूंढनी हो तो आप कहां ढूंढेंगे, हदीस ही के अंदर तो ढूंढेंगे। इसका मतलब अगर किसी ने कह दिया अहलुल हदीस तो अहलुल कुरान भी हो गया, अहलुल सुन्ना भी हो गया, मुहम्मदी भी हो गया, सलफी भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये लफ्ज अहलुल हदीस बहुत जामे है, ये दर हकीकत मुमय्यिज है दीगर तमाम उन फिरकों के मुकाबले में जो अपनी ख्वाहिशात और अपनी अहवा अपने आरा अपने ख्यालात फासिदा और अपनी अफकार कासिदा के ऊपर कायम है, उनसे तमीज देने के लिए यह नाम रखना जरूरी हो गया है। जैसे कि मुहद्दिसीन के ऊपर यह जरूरी था कि बताएं कि यह हदीस सही है यह हदीस ज़ईफ़ है, ताकि लोग सही और ज़ईफ़ के दरमियान फर्क करके तमीज करके हदीस से सही के ऊपर अमल करें। ऐसे ही जरूरी है कि लोग ये नाम रखें। आज लोग कहते हैं कि ये नाम दर हकीकत एक फिरका है। बहुत गौर से सुनो, लेकर जाओ आज यहां से लेकर क्या जाओगे, ये आखिरी बात। एक साहब ने कहा कि चार ही तो फिरके हैं, ये पांचवा कहां से आया। मैंने कहा कि चार फिरके कौन से, बोले कि एक समुंदर है। बोले हां समुंदर है, उससे चार नहरें निकली तो पानी तो वही है, पानी तो वही है, एक समुंदर है चार नहरें निकली, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नहर, इमाम शाफई की नहर, इमाम मालिक की नहर, इमाम अहमद, चार नहरें निकली, ये पांचवा कहां से आया। मैंने कहा पांचवा ही समुंदर है। पांचवा कहां से आया, चार नहरें निकली पांचवा कहां से आया है। मैंने कहा समुंदर ही तो है, वही असल है, वही अली नदी से। अच्छा ये चारों तो वही पानी है। बोले पानी तो सही था। मैंने कहा लेकिन आगे चल के बारिशें हुई और बड़ी गंदगियां आ गई सब उसके अंदर। अब अगर सही पानी और साफ शफाफ पानी पीना तो समंदर की तरफ रुजू करना जरूरी है। अब वो आयत करीमा पढ़ लो तकरीर का इख्तिताम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाहा वा अतीउर रसूल वा उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहू इलल्लाह। अगर पानी गदला हो जाए तो गदले पानी को छोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट कुएं की तरफ असल की तरफ रुजू किया जाता है। वही मतलब है फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहू इलल्लाहि व रसूल। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।